गाइस, कल 31 तारीख को यानी कल 3 मूवीज़ रिलीज़ होगी टोटली, और उन सभी मूवीज़ को एक साथ देखना और उसके बाद रिव्यू करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए लगातार 3 वीडियोस आपको आज और कल देखने मिलेंगी। आज मैं लूट के इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, उसके बाद शकुंतला देवी, और उसके बाद रात अकेली। ऐसे तीनों तीनों मूवी के मैं लगातार रिव्यू करूँगा, क्योंकि 2 दिन मेरे पूरे इस मूवी में देखने के लिए गए, उसके बाद रिव्यू करने में और थोड़ा सा शकुंतला देवी के बारे में रिसर्च करने में गए। तो 3 वीडियोस लगातार आपको आने वाले। लूट के इस मूवी डायरेक्टेड बाय राजेश कृष्णन, स्टारिंग कुणाल खेमू, रणवीर शौरी, गजराज राव, विजय राज और बाकी जितने भी एक्टर्स इस मूवी में थे, उन सभी को इक्वल स्पेस मिला है स्क्रीन पे। मतलब बोल सकते हैं कि ये सभी जो हीरो थे वो लीड रोल उन्होंने प्ले किया, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि सभी को इक्वल स्पेस मिला था और सभी का रोल इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक मुझे सीन याद आ रहा है जहाँ जब भी कुणाल खेमू वो सूटकेस पैसों से भरा हुआ सूटकेस जब भी रिक्शा में लेके जाता है, उसके बाद रिक्शा वाले तक का भी सीन प्रॉपर डिटेलिंग करके उसमें इम्पोर्टेंस दे दिया। ये मूवी मुझे थोड़ी सी दिल्ली बेली जैसी लगी, क्योंकि दिल्ली बेली में विजय राज का कैरेक्टर और इस मूवी का कैरेक्टर थोड़ा सा सिमिलर लगा, और स्टोरी प्लॉट भी थोड़ा सा सिमिलर ही था, लेकिन मूवी बहुत ही एंगेजिंग है, मूवी रिफ्रेशिंग है, आप इन्जॉय कर सकते हो, कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैक्ड मूवी है। अभी हम लोग टर्न होते हैं मूवी के स्टोरी के ऊपर। नंदन कुमार जो कुणाल खेमू का कैरेक्टर है मूवी में, वो बहुत ही आम और साधारण इंसान होता है। उसे अचानक एक जगह पे पैसों से भरा हुआ सूटकेस मिलता है, उसे कुछ भी खबर नहीं होती कि वो सूटकेस किसका है। वो क्या करता है, सूटकेस लेके घर पे आ जाता है, घर उसके बाद धीरे धीरे पैसों को अपने अलग अलग जगह पे छुपाता है और उसको यूटिलाइज करता रहता है। इस पैसों के पीछे 2 गैंगस्टर्स और एक पॉलिटिशियन पढ़े रहते, क्योंकि वो पॉलिटिशियन का पैसा होता है, जो रोल गजराज राव ने प्ले किया है। तो उस पूरे पैसों के पीछे ये स्टोरी घूमती है। अगर हम लोग कैरेक्टर्स की बात करें तो मूवी में सभी के कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मुझे कुणाल खेमू का कैरेक्टर अच्छा लगा, रणवीर शौरी और विजय राज। वैसे तो सिमिलर टॉपिक्स पर इसके पहले बहुत मूवीज़ बनी है, लेकिन ये मूवी थोड़ी सी हटके है, बहुत ही फनी वैसे इस कंसेप्ट को डायरेक्टर ने यूटिलाइज़ किया और एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को देख सकते हो। तो गाइज़, आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हो। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि किसी मूवी पे मुझे रिव्यू करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करो। 2 वीडियोस और भी आने वाले, कल मैं उसको चैनल पे रिलीज़ करूँगा, तो वो भी देख लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।